आचार्य श्री के पास में पहुंचने का विचार उस समय से बना जब हम थोड़ा थोड़ा सा कुछ धर्म के बारे में जानने के लिए नहीं कहें, जिंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। ये मुझे जो सामान्य लोग सब कुछ किया करते हैं उसी तरह की भावनाओं में जीना, उसी तरह से रहना, ये थोड़ा सा पहले से ही दिमाग में ऐसा होता था कि थोड़ा सा हटके, क्या थोड़ा सा हटके। जब आप इस तरह के विचारों में आते हैं तो आपके लिए लगता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत क्या उसी एक तरीके से करते रहें जैसे सब लोग किया करते हैं, और ये विचार मन में बहुत रहता था। कभी भी ऐसा कुछ भाव नहीं रहता था कि जीवन में हमने कभी बहुत कुछ ज़्यादा धर्म किया हो बचपन से, या बचपन से ही कुछ बहुत कुछ ज़्यादा हम सीखे हुए हों। इतना ही रहता था जितना जन सामान्य करता है, मंदिर जाना है, गुरुओं के पास कभी कभार चले जाना है, इतना ही रहता था। और ज़्यादा कुछ है तो बस इतना ही सात्विकता, शाकाहार, इतना ही बस धर्म के रूप में रहता था। लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा थी कि जीवन को हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि आखिर आदमी का जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। जब भी कहीं आस पड़ोस में किसी के यहाँ पर मृत्यु होती थी तो मैं एक गहरे ख्यालों में डूब जाता था, ये आत्मा या ये जीव अब क्या होगा, ये कहाँ गया होगा, इसका क्या हो रहा होगा मरने के बाद, ये इसके आस पड़ोस के लोग अब इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये क्या क्यों रो रहे हैं, क्या इससे समझ रहे हैं, मतलब इस तरीके के विचार बहुत ज़्यादा आते थे। और इन्हीं विचारों के कारण से मन में जब भी कभी किसी की मृत्यु सुनता था तो बहुत ज़्यादा एक भीतर से प्रश्न तैयार हो जाते थे, प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो जाती थी कि ये सब क्यों, किस लिए, कैसे हो गया। और उस समय पर जो भी कोई जान पहचान के या कुछ परिचित या कुछ फेमस लोगों के बारे में भी कभी अगर मृत्यु के बारे में सुनता था तो भी एक बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता था, और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी समय पर लंबे लंबे समय तक चलते रहते थे। उसी समय की एक बात है, राजीव गांधी के बारे में आपने सुना होगा। एक रात जब सुबह सोकर के उठा था तो सबसे पहले यही सुनने को मिला कि आज राजीव गांधी की शाम को रात में जो है मृत्यु हो गई, और किसी जो लिट्टे एक संगठन था उसके विस्फोट से उन्होंने जो है उनको मार डाला। ये सुनने के बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या कि एक व्यक्ति जो देश की सेवा के लिए है, सबके लिए है, और उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ। तो इस तरह की घटनाएँ बड़ा उद्वेलित करती थी। और उसी के साथ में फिर एक घटना और भी आगे घटी, जब साथ में रहने वाला एक मित्र था, उसका एक भाई था, और उसी तरह का एक और जैन समाज के एक और व्यक्ति था, और दो व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु हुई थी एक एक्सीडेंट में, और दोनों का एक वर्ष पहले ही विवाह हुआ था, और दोनों के पत्नियों के गर्भ में एक एक शिशु भी था। और ऐसी स्थिति में मृत्यु को देख करके मन में इतना ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न हुए कि भाई ये जीवन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है, लोग अपनी इच्छाओं का कितना पूर्ति कर पाते हैं और कितनी उनकी इच्छाएं उनके लिए सुख दे पाती हैं। ये तमाम क्वेश्चन जब बढ़ते थे तो धीरे धीरे हमें कुछ संगति मिली। एक भाई थे, सुकौशल भाई, और उनके साथ में थोड़ा सा धर्म के बारे में जानने की कोशिश की, फिर थोड़ा थोड़ा सा कभी कभार मंदिर में जाकर के कुछ ग्रंथ के पन्ने पढ़ लिया करता था, तो उसमें भी मुझे कुछ बहुत कुछ विज्ञान सा दिखाई दिया। और जब इस तरह से मेरे अंदर की उत्सुकताएं बढ़ी और मेरे कुछ समाधान कुछ मिलते गए तो मैं साधुओं के संपर्क में आने लग गया, और साधुओं के संपर्क में आते आते मैं इस जगत के उस समय पर सर्वपूज्य भगवान की तरह जाने माने वाले, और केवल मेरे विचारों में ही, केवल मुझे सुनने में ही आते थे, ऐसे आचार्य गुरुदेव को मैंने कभी देखा नहीं। सबसे पहले 94 में जब गृह त्याग किया था, उसके बाद 95 में जब आचार्य श्री का कुंडलपुर में चतुर्मास था तब पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए थे, और उस दर्शन के बाद ही मुझे ऐसा हो गया था कि मैं अगर जीवन में कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा, तो इन्हीं चरणों में रह करके करूंगा, अन्यथा मैं कहीं नहीं जाऊँगा।